हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेज दैट अ बल्ब इज लोकेटेड ऑन अ वॉल। इट्स इमेज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन पैरेलल वॉल विद हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स इज डी, देन रिक्वायर्ड फोकल लेंथ विल बी ओनली डी बाई फोर, मोर देन डी बाई फोर बट लेस देन डी बाई टू, ओनली डी बाई टू, लेस देन और इक्वल टू डी बाई फोर। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना हो कि कंसेप्ट क्या यूज है बच्चों। की कंसेप्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाई लेंस। की कंसेप्ट इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, मतलब देखो बच्चों, जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, अगर आपको देखो रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज, क्योंकि स्क्रीन पर बन रही है, वॉल पर बन रही है, तो जो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस होती है वो बच्चों 4f होती है। मतलब अगर 2f पर अगर ऑब्जेक्ट रखो तो इस साइड आपका 2f पर इमेज बनती है, ये मिनिमम सेपरेशन होती है, ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। अब देखो, मतलब आपका जो मिनिमम सेपरेशन होनी चाहिए, मतलब जो मेन जो डी मिन होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए आपका, 4f होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं हो सकता। अब ये बच्चों मान लो आपका डी है, ठीक है, ये मान लो आपका डी है और ये क्या 4f है। तो एफ कितना होना चाहिए बच्चों आपका, देखो जो एफ मिन होना चाहिए बच्चों कितना होना चाहिए आपका, देखो एफ की मैक्सिमम वैल्यू जो होनी चाहिए आपकी, देखो वो डी बाई फोर होनी चाहिए। ये देखो एफ जो मैक्स होगा वो क्या होगा आपका, डी बाई फोर होगा। अगर उससे ज़्यादा हो गया बच्चों तो आपको, ठीक है ना, डी मिन कम, डी तो फिक्स है बच्चों, डी तो फिक्स है। अगर मान लो 4f कम हो गया, मान लो तो आराम से आपका बन जाएगा, 4f की वैल्यू डी से कम हो गई तो आराम से बन जाएगा। बट यहाँ पर डी तो फिक्स है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना होगा, एफ को ही कम करना होगा। तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है आपकी, डी बाई फोर। उससे कम होगी तो आराम से काम चल जाएगा, क्योंकि उससे कम होगा बच्चों मान लो आपका 1.5 f हुआ, तो देखो आपका अभी तो बच्चों देखो जो डी है जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा 4f से। अगर 1.5 हुआ तो बच्चों कितना होगा आपका, ज़्यादा होगा आपका इससे, तो जाहिर सी बात है अभी आराम से बच्चों आपका फोकस कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू डी बाई फोर। So I hope you understood it well. Best of luck.